साइलेज प्रोजेक्ट है जो हमने एक डबी प्रोजेक्ट शुरू किया है कि अगर आप 90 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर और 4 लो साइलेज का मशीन लेते हो सैलिकल की हमारी, तो अप्रॉक्सीमेट आप 7 से 8 एकड़ प्रतिदिन काट सकते हो। प्लस आज की डेट में 8,000 रुपया प्रति एकड़ एक फार्मर उसकी कटाई का देता है, और इसमें चॉपिंग क्वालिटी के साथ साथ इसका 70 से 80% कॉर्न क्रैकर हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कॉर्न क्रैकर लगा हुआ है इस मशीन, और अप्रॉक्सीमेट 28 लाख की वो टर्नओवर कर सकते हैं इस मशीन के। अगर वो बेलर भी ले लेता है 100 किलो का, अगर वो प्रोजेक्ट लगा लेता है अपने गाँव में, तो अप्रॉक्सीमेट से 2.5 करोड़ की वो टर्नओवर निकाल सकते हैं। तो एक गांव में रह के बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बिकॉज जब आप काटोगे इनको, आपको ट्रॉली चाहिए, आपको मैन पावर चाहिए, आपको ड्राइवर चाहिए, तो हमारे गांव में ही उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, गांव में उनको सस्ता साइलेज मिलेगा हमारे किसान भाइयों को, और आपको एक पौष्टिक चारा मिलेगा जिसमें पूरे साल अपने आप ROI निकाल सकते हो अपने फार्म। नमस्कार किसान भाइयों, मैं NSI लाइफ से बोल रहा हूँ, मेरा नाम विपिन शर्मा है, हमारा ये एग्री स्टार्टअप कंपनी है जिसमें हम लोग साइलेज के बारे में जानकारी देते हैं। और सबसे बड़ा जो आज का मुद्दा है कि पहली बात कि साइलेज की महत्वता क्या है, कि साइलेज की इम्पोर्टेंस क्या है, कि क्यों साइलेज डालना चाहिए। तो आपको पता है जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको साइलेज के बारे में तो पता ही है कि पूरे साल में जब आपको चारा नहीं मिलता है तो दूध की कमी होती है, उस कमी को पूरा करने के लिए अगर हम साइलेज का यूज़ करते हैं तो हमारी पूरे साल की सस्टेनेबिलिटी वो पूरी पूरी हो जाती है, और एक डेयरी फार्म का जो संतुलन है वो बना रहता है। सेकेंडली जो साइलेज है, साइलेज 15-16 साल से हिंदुस्तान में बन रहा है, बट उसमें एक छोटा सा चैलेंज आ रहा है हमें कि अफ्लाटॉक्सिन और उसकी गुणवत्ता ना प्रॉपर होने की वजह से हमारे साइलेज के जो असली रिजल्ट आने चाहिए दूध बढ़ाने के लिए वो नहीं आ पा रहे। तो मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि आप अपना जो भी साइलेज बनाते हो उसकी क्वालिटी बड़ी ध्यान से देखिए, उसकी जो फसल जब बुआई से लेकर कटाई तक जब आप करते हो उसमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पूरा लेके आइए, और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप कटाई करते हो तो हाफ मिल्क लाइन पे होनी चाहिए, मतलब वो द्वितीय स्टेज पे होनी चाहिए। अगर आप उससे पहले करते हो वो भी आपका लॉस है, अगर आप उस स्टेज को निकल के मतलब हाफ मिल्क लाइन और द्वितीय स्टेज को निकाल के, जो कि इंडिया में 80 और 90 के दिनों की फसल पकने के बाद आ जाती है, तो इन दोनों का बहुत महत्व है। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है, जब साइलेज आप काट लेते हो या जब आप काटने लगते हो आपकी चॉपिंग क्वालिटी क्या है, आपका दाना क्रैक होता है कि नहीं होता है, ये बहुत महत्व है। अगर आपका दाना पूरा क्रैक नहीं होता है तो आपका 1 किलो साइलेज कम दूध पैदा करेगा, क्योंकि वो दाना सीधा ऊपर में बाहर आ जाएगा और उसकी वेस्टेज है जो हमारा कोई सी काम कर रहा है। तो मकसद यही है कि हम साइलेज की गुणवत्ता को कैसे बढ़ा सकते हैं, प्लस उसमें जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, जो हमारे तत्व चाहिए हमारे जानवर को मिलने के लिए, वो पूरी पूरे होने चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोगों ने अभी ये MOU किया है सेलिकल कंपनी के साथ, ये आप लोगों के लिए मशीन लेके आए हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी इंडिया में एक सिंगल हार्वेस्टर है जिसकी कीमत 3-4 लाख रुपये होती है, और एक फॉरेज हार्वेस्टर बड़ा होता है जिसकी कीमत नियर अबाउट 2.5 से 3 करोड़ के करीब होती है, बट ये एक मिड साइज की मशीन है जिसमें 4 रो आप काट सकते हो, और इसमें लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप सिंगल रो काटोगे तो उसमें क्या होता है, आपको साइडें काटने के लिए लेबर चाहिए 8-10। इस मशीन अगर आप चलाते हो, या 90 हॉर्स पावर के साथ चलती है, इसमें पूरे का पूरा R&D बेस्ड ये मशीन है, ये टर्की की कंपनी सेलिकल है जो 60 साल से डेयरी की मशीनें बना रही है, तो हमने उनके साथ टाइम किया किसान भाइयों को और एग्री इंटरप्रेन्योर्स को ये मशीन दे सके, और वो मैक्सिमम इसका यूटिलाइजेशन कर सके, क्योंकि अगर आपने 7-8 एकड़ ना काटे तो आपके एग्री इंटरप्रेन्योर की फिजिबिलिटी नहीं बनती। तो उसको 90 हॉर्स पावर का या 110 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लेना है, साथ में उसको बिजनेस भी करना है, तो अगर ये मशीन और 90 हॉर्स पावर का एक बिजनेस मॉडल बनाता है कोई बंदा, तो मेरे हिसाब से वो 18 महीने में इसकी पूरी की पूरी कॉस्ट कवर कर सकता है, और एक अच्छा प्रॉफिट गाँव में रह के कमा सकता है। हमें आपको इसका चार्ट दिखाना चाहिए, 7087684444, और तीसरा नंबर है 9708767444444। तो ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, और आप अच्छा साइलेज का प्रोजेक्ट लगाइए, हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे, हमारी टीम पूरी सपोर्ट करेगी, बिकॉज हमारा ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम मिट्टी की टेस्ट से लेके सॉइल टेस्टिंग, सीड मैनेजमेंट,
न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग और मार्केटिंग, सारे के सारे हम उसको सपोर्ट करते हैं। सो एक NSI प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम चाहते हैं कि गाँव में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, हमारे अच्छे साइलेज प्रोजेक्ट बने और साइलेज प्रोजेक्ट सस्टेन करें। सी आज का प्रोजेक्ट लगाने का मकसद क्या है, या 3-4 साल में कहाँ पहुँचा, क्या उस प्रोजेक्ट को आगे लेके जा पाओगे या उसी प्रोजेक्ट में नीचे आ जाएंगे। तो हमारा मकसद यही है कि आप जो प्रोजेक्ट लगाओ वो सस्टेनेबल हो, आपका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो और हमारे जो फार्मर हैं उनको भी क्वालिटी प्रोडक्ट। थैंक यू।